हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधिक वर्स। अब हमारा विधिक वर्स चैनल पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स हम लोग खत्म कर चुके हैं और बेसिक ऑफ लेजिस्लेचर एंड बेसिक ऑफ केस लॉ, ये जो दो नए सब्जेक्ट्स हैं ये भी हमारे चैनल पे आने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग जाके इनकी भी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट वन नहीं पढ़ने जाएंगे जो कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बताता है, हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट टू। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट टू कहलाए जाते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लाइक एजेंसी प्लस मॉर्गेज, राइट। चलिए आज का हमारा होगा कि एजेंसी क्या होता है। देखिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एजेंसी सबसे बड़ा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ठीक है, तो हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो कि हमारा पहला पार्ट होगा एजेंसी का, जिसमें हम लोग बेसिक बेसिकली डेफिनेशन एंड स्मॉल पार्ट डिस्कस करेंगे, इसका लॉन्ग में नहीं जाएंगे, इसको हम दो या तीन पार्ट्स में रखेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि एजेंसी क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो एजेंसी क्या होती है, आप अपने साथ में बेरेट भी रखते जाइएगा, तो जो मैं बोलूँ तो आप उसमें मार्क करते जाइए, अगर उससे बेटर है कि आप अपने नोटबुक रख लीजिए जिसपे आप नोट्स बनाते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा। चलिए लेकिन बेरेट साथ में देखते रहिए कि क्या कह रहा है। तो सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता है, डिफाइन करता है किसको, एजेंट कौन होता है और प्रिंसिपल कौन होता है, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ, एजेंट वह पर्सन है जो दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकता है, काम कर सकता है एक्ट, ठीक है, और दूसरी क्या चीज बोली है, रिप्रेजेंट थर्ड पर्सन से डील करने के लिए। मान लो कि सपोज पर्सन ए और पर्सन बी, आई गेस ओके, तो पर्सन बी, ठीक है, ये इस पर्सन, ये पर्सन है, ये पर्सन बी है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो डील करेगा वो कौन कहलाएगा, एजेंट, ठीक है, किसी को बोलते हैं एक्ट करे, क्या करे, या तो एक्ट करे या डील करे थर्ड पर्सन के साथ, उस पर्सन के काम का एक्ट कर, तो वो कहलाएगा एजेंट। अब जिसके बिहाफ का काम कर रहा है, या तो उसका काम कर रहा है और उसके बिहाफ पे डील कर रहा है, तो वो कौन कहलाएगा, प्रिंसिपल। तो एजेंट को हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे कि एजेंट वह बंदा है जो एक्ट करता है या डील करता है थर्ड पर्सन से, किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल कौन हुआ, जो जिसका एक्ट एजेंट करता है, समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे टेस्ट क्या होते हैं, आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन एजेंट है कि कौन नहीं, तो इसको हम केस के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो पहला केस था, आप लोग एक केस लॉस जरूर नोट करते जाइएगा क्योंकि आपको एग्जाम में मार्क्स केस लॉ के बेसिस पे ही मिलते हैं, क्योंकि ये मेजोरिटी दिखाते हैं कि आपने कितना पढ़ा हुआ है किस सब्जेक्ट को, ठीक है, मतलब आपने कितनी इन डेप्थ देखा है उसको। तो पहला केस होता है कि मोहनलाल जैन वर्सेस स्वामी मंत्र, इसमें क्या होता है कि पर्सन परफॉर्मिंग मिनिस्ट्रियल एक्ट इज नॉट एन एजेंट, ठीक है, तो जो भी पर्सन मिनिस्ट्रियल एक्ट करेगा वो एजेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आप पूछेंगे मिनिस्ट्रियल एक्ट्स क्या होते, तो वो एक्ट जो एडवाइस टेंडर करना, जैसे बोल देना, कि ऐसे नहीं कि थर्ड पर्सन से डीलिंग करना है, तो बोल दिया कि भाई देखो वो बढ़िया इंसान है आप डील कर सकते हो, ये छोटे मोटे एक्ट, तो एजेंट नहीं होता। इसमें इसमें ही वो आया था प्रिंसिपल, टेस्ट फॉर एजेंट। आप क्वेश्चन पूछिएगा कि क्या वो पर्सन इज अ पर्सन हुज अ पावर ऑफ रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल दैट इज मेकिंग प्रिंसिपल आंसरेबल टू थर्ड पर्सन, अगर प्रिंसिपल को वो आंसरेबल कर रहा है तीसरे पर्सन से और उसका आंसर आ रहा है हाँ जी कर रहा है, तो वो एजेंट है, और नहीं कर रहा है तो वो एजेंट नहीं है, ठीक है। इसी केस लॉ में ये टेस्ट आया हुआ था। दूसरा केस हम देखते हैं कि महेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस पदम कुमार देव, इसमें क्या होता है, व्हेन अ क्लाइंट गिव अ पावर ऑफ अटॉर्नी टू हिज काउंसिल वाइल इज इन अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड मेंटल अंडरस्टैंडिंग। देखो क्या होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी आपको समझा देता हूँ क्या होता है, कि मान लो हम एलिजिबल नहीं है हेल्थ कारण की वजह से, मेंटली या किसी भी कारण से, कि हम नहीं जा सकते हैं, हम डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम अटॉर्नी मतलब लीगल वर्क के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी अपॉइंट कर देते हैं। इसमें केस में क्या होता है, ठीक है, कि जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि मैं गुड हेल्थ में नहीं हूँ, मेरी मेंटल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, ओल्ड हूँ, फीबल हूँ, वीक हूँ, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ, ठीक है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी बिकम वर्थलेस आफ्टर द चेंज। अब अगर वो ठीक हो जाता है, उसकी मेंटल स्टेट ठीक हो जाती है, तो फिर भी वो नहीं रख सकता है उसको, समझ रहे हैं। चलिए
स्कोर, आई गेस नाउ पीपीटी इज मोर विजिबल। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं दूसरा केस। इसमें क्या समझे महेंद्र प्रताप सिंह, कि एजेंसी भी चेंज हो सकती है। समझ रहे हैं कैसे चेंज हो सकती है, कि अगर उसकी हेल्थ ठीक हो जाए, जिस कारण से वो एजेंट रख रहा है, अगर वो ठीक होता जा रहा है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का क्वेश्चन इसमें आता। तीसरा केस है मदनलाल धारीवाल वर्सेस बीरूलाल। इसमें क्या होता है, इफ प्रिंसिपल इज अ माइनर और अब अनसाउंड माइंड, तो फिर वही लगेगा। अगर माइनर है और वो मेजर हो जा रहा है, तो उसे पावर ऑफ अटॉर्नी चेंज होगा। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, कि ऑल दो माइनर हिमसेल्फ कैनॉट रिप्रेजेंट, कैनॉट अपॉइंट एन एजेंट, तो फिर सेक्शन 183 क्या कहता है, विच प्रोविज द गार्जियन ऑफ अ माइनर फ्रॉम अपॉइंटिंग एन एजेंट पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर डेफिनेशन हो गई, टेस्ट हो गया, अब आप ये बता दीजिए कि एजेंट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम उनको डील करते हैं। तो हम पहला देखते हैं, क्या है पहला, स्पेशल एजेंट। कौन होता है स्पेशल एजेंट, अगर आपने किसी पर्सन को किसी स्पेसिफिक एक्ट के लिए अपॉइंट किया है, तो वो कहलाएगा स्पेशल एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एजेंट रखते हैं किस काम के लिए, कि आपने एक एजेंट दे दिया कि भाई तुम मेरे लिए, मैं प्लॉट खरीद रहा हूँ, मैं जमीन खरीद रहा हूँ, आपको जाना है, प्लॉट को देखना है, डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, और मुझे बताना है। ठीक है, तो आपको कौन सा एक्ट करना है, इंस्पेक्शन का एक्ट करना है। तो मेरा केवल एक व्यक्ति को मैं रख लूं, कि आपको ये पर्टिकुलर एक्ट करना है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, स्पेशल एजेंट। क्यों, क्योंकि मैंने उसको एक स्पेशल अथॉरिटी दी है एक काम करने। समझ रहे हैं, चलिए इसमें एक और चीज होती है, दो और दो से ज्यादा लोग भी स्पेशल एजेंट हो जाते हैं, उनको बोला जाता है को एजेंट्स और ज्वाइंटली एजेंट्स। ठीक है, चलिए अब दूसरी टाइप, दूसरा कैटेगरी है ऑक्सनियर एजेंट। ये क्या होते हैं, एजेंट हुज बिजनेस इज टू सेल। अब मान लीजिए ये मेरा फोन है, ठीक है, अब मैं बोलूं कि इसका वो करना है, ऑक्सनियर करना है। ठीक है, तो मैं किसी पर्सन को, मैं मान लो बिजी पर्सन हूँ, तो किसी को दे दूंगा कि भाई तुम इसका ऑक्शन करवा, तो वो भी एक एजेंट होगा, स्पेशल टाइप ऑफ एजेंट, मतलब एक ऑक्सीनियर, उसका एक अलग वर्क है। ठीक है, पहले वो क्या करेगा, मेरा एजेंट है, कि मैं बोलूंगा कि भाई इसको 100 रुपए से स्टार्ट कर दो। खैर फोन 100 रुपए का नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि इसको 100 रुपए से स्टार्ट करवा, तो कोई बोलेगा 100, 110, 120, उसका काम, तो मेरा सेलर है। जब वो चीज बेच देगा, उसको फाइनल हो जाएगा, तो एजेंट का परचेजर का बन जाएगा, कि उसको ये प्रॉपर्टी उसको डिलीवर करे। ठीक है, चलिए तीसरे काइंड का होता है फैक्टर एजेंट। ये क्या होता है, मर्केंटाइल एजेंट विथ पजेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, वो द पर्पज ऑफ सेल, इसके पास पजेशन होता है गुड्स का। क्यों, क्योंकि इसको सेल करना है। फैक्टर का बताता हूँ, ये मेरा फोन है, मैं घर गया अपने झांसी, मैंने ये फोन उसको दे दिया कि भाई देखो मैं तो बिजी हूँ, मैं जा रहा हूँ घर अपने झांसी घूमूंगा, तो ये फोन तुम रखो और इसको बेच देना। क्या कर दिया मैंने, इसको पजेशन दे दिया अपने गुड का। कारण क्या था, सेल करने, कि भाई तुम उसको बेच देना, ऑक्शन नहीं सॉरी, सेल कर देना कि भाई मेरा फोन है, इसको बेच देना। ठीक है, तो पावर टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट और रिसीव ऑन पेमेंट फ्रॉम बायर, ऑक्शनियर हैज अ पर्टिकुलर लीन, नो पोजेशन फैक्टर। फैक्टर के क्या पास है, जनरल लीन, मतलब पोजेशन है उसके पास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितने तरीके के आखिर एजेंट्स होते हैं। तो चौथा होता है ब्रोकर। इसमें क्या होता है, अथॉरिटी टू नेगोशिएट सेल या परचेज ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मान लीजिए जो आपने देखा होगा, ब्रोकर जो होते हैं मकान, अब बोलेंगे कि ये मेरा मकान बिकवा दीजिए, या मुझे मकान खरीदना है, तो आपके बिहाफ पे नेगोशिएशन। इसमें देखिए, इसमें ये यही छोटे छोटे डिफरेंस आते हैं, नेगोशिएशन पावर है इसके पास थर्ड पार्टी से डील करने की, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, पजेशन ऑफ गुड्स, आपके घर नहीं है इसके पास, चाबी नहीं है घर, बस इसके पास क्या है, नेगोशिएटिंग पावर है, जो आपको थर्ड पर्सन से डील करवा। इसके बाद रहता है कमीशन एजेंट। आप तो टर्म से ही समझ गए कमीशन एजेंट का क्या मतलब हुआ, जो थोड़े बहुत पैसे पे कमीशन पे करता है ये काम, थर्ड पार्टी से डीलिंग का, वो कमीशन एजेंट। अब एक हमारा बचता है लास्ट, डेल क्रेडिट एजेंट। जनरली दिस इज नॉट आंसरेबल टू प्रिंसिपल फॉर इट्स फेलियर टू थर्ड पार्टी टू परफॉर्म कॉल। ठीक है, क्योंकि ये एजेंट का एक्सेप्शन रूल होता है। देखिए इसको मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये थर्ड पे एजेंट पे लायबल नहीं, लेकिन हाँ सुनो, इसमें कंडीशन है, अगर वो एक्स्ट्रा कमीशन देता है, ठीक है, तब अगर थर्ड पार्टी एक्ट नहीं परफॉर्म करती, तो ये एजेंट लायबल हो जाता है, बस इतना इसमें अंतर है। तो आप 6 प्रकार के एजेंट समझ चुके हैं, डेफिनेशन समझ चुके हैं, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप पूछेंगे, सर आपने सब बता दिया, डेफिनेशन बता दिए हैं, आपने केस लॉज बता दिए हैं, आप झांसी गए घूमने, तो फिर भी आपने बता दिया कि टाइप ऑफ एजेंट कितने प्रकार के होते हैं,
लेकिन अब आप हमें बताइए कि असेंशियल कैसे करा पता किया जाए कि रिलेशनशिप का असेंशियल क्या है एजेंसी का। चलिए पहला हम देखते हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए? तो प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बट एजेंट मे नॉट। क्यों? अब इस लाइन का गहरा मतलब समझिएगा। प्रिंसिपल को कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्यों? अगर आपको ये फोन बेचना है, मतलब मैं बेच रहा हूं और जो खरीद रहा है, एजेंट का काम क्या है? मुझे उससे जुड़वाना है। मान लो ओएलएक्स पे ही, ओएलएक्स का काम क्या है? मैं बेच रहा हूं, उसको खरीदना है, जुड़वा दे रहा, समझ रहे हो? अब ओएलएक्स कॉम्पिटेंट है कि नहीं, हमें नहीं मतलब है। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, हमें नहीं कोई मतलब है। हमें क्या मतलब है? जो प्रिंसिपल है उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एजेंट तो लिंक काम कर रहा है, समझ रहे हैं? अब वो लिंक की तरह एक्ट कर रहा है। चलिए इसमें सेक्शन 184 जो बताता है कि एजेंट क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए और साउंड होना चाहिए, बस ये नहीं कि कुछ भी कंडीशन दे रखी हो। चलिए इसमें अब हम आपको केस बताते हैं, मदनलाल वर्सेस बेरुला। माइनर एजेंट, माइनर पर्सन के नॉट बी एजेंट, लेकिन उसका गार्जियन का हो सकता है एजेंट। इसमें अब दूसरा केस है, टीसी मथाई वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तिरुवनंतपुरम। व्हाट एवर पर्सन कैन डू पर्सनली कैन बी डन बाय। ये बहुत बढ़िया चीज, आप जो स्वयं कर सकते हैं वो अपने एजेंट से करा सकते हैं, सीधा सीधा बात है, ठीक है? इसमें एक केस में हैंडल हुआ। ये छोटे छोटे केस जब अपने अपने आंसर में डालेंगे हाईलाइट करके, तो ये बहुत वैल्यू एड कर देंगे आपके आंसर। अब हम सेकंड पढ़ेंगे कि एग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी, मतलब एजेंसी डिपेंड ऑन एग्रीमेंट नॉट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। वन मार्टी में लैक कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। हम क्या देखे थे कि अगर अभी इसके पहले देखे थे ना कि प्रिंसिपल को कॉम्पिटेंट होना चाहिए पार्टी, लेकिन एजेंट को नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लिंक की तरह एक्ट करता है, ठीक है? तीसरी देखते हैं असेंशियल, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। हाँ कुछ रेन्यूमरेशन हो सकती है, सेक्शन 185 खोलिएगा, उसमें देखिए एजेंट क्या कर सकते हैं, कुछ रेन्यूमरेशन कमीशन हो सकते हैं सर्विस के लिए, लेकिन कोई कंसिडरेशन जरूरी नहीं है टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, समझ रहे हैं? केस भी होता है इसका। शिवराज रेड्डी एंड ब्रोस वर्सेस एस रघुराज रेड्डी। क्या होता है? अ पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर इन फर्म विच इज द पोजिशन ऑफ एन एजेंट विदाउट मेकिंग एनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बताता है कि भैया कंसिडरेशन जरूरी नहीं है एजेंसी के लिए। फोर्थ पॉइंट है इंटेंशन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द। इसमें काफी केस लॉ है तो अच्छे से इनको हम पढ़ते हैं। पहला क्या कहता है कि एन एजेंसी कैन अराइज विदाउट एनी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। गोविंद प्रसाद जी के केस में आया था ये। क्या हुआ था कि मान लो मैं अपने दोस्त से बोल देता हूँ कि अभिषेक आप जाओ और जो मेरा फोन रिपेयर हो रहा है इसको लेके चले आओ। अब अभिषेक क्या कर रहा है, मेरे बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, मैंने उसके लिए उसको बनाया अपना एजेंट इस काम। तो क्या हुआ, हमारे बीच में कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कि फिर भी एजेंसी आ सकती, समझ रहे हैं? प्लॉट का एग्जाम्पल लीजिए, मैं बोलूँ प्लॉट देखाइए, इंस्पेक्टर आएंगे, आप वो मेरी कैपेसिटी में जा रहे हैं, आप जाएंगे तो प्लॉट वाले से बात करेंगे, भैया हम इनके आदेश की तरफ से आए हैं, हमें प्लॉट दिखवाइए जो इनको बताया गया था। तो क्या है, वो डील कर रहा है थर्ड पर्सन से, एक्ट कर रहा है, ठीक है? हमारे बीच में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है? दूसरा केस देखिए इसी पे, दूसरा केस था चेयरमैन एलआईसी वर्सेस राजीव कुमार भास्कर। इस केस में क्या होता है, सैलरी सर्विंग स्कीम ऑफ एलआईसी, एज द एम्प्लॉयर वाज सपोज्ड टू डिडक्ट द प्रीमियम फ्रॉम द एम्प्लॉयज सैलरी डिपॉजिटेड इन द एलआईसी, लेकिन क्या होता है, अपॉन द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय फाइंड फाउंड होता है कि हिज हेयर्स दैट एम्प्लॉयर्स हैज डिफॉल्टेड इन डूइंग सो कॉजिंग द पॉलिसी टू लैप्स। अ क्लॉज इन द एक्सेप्टेंस लेटर वाज रिफर्ड टू इन विच द एम्प्लॉयर हैड सेड That he would act as an agent of the employee and not that of LIC. समझ रहे हैं? It was held that the employee was acting as an agent of the company, therefore making company liable. ठीक है? तो responsible as a principal due to the fault of an agent. Agent कौन था? Employee. और भी केस है, हर केस आपको एक नया टेस्ट बताता है। जैसे लोन कारन वर्सेस जॉन, कोर्ट हैज टू लुक द ट्रू नेचर ऑफ एग्रीमेंट बिफोर डिसाइडिंग। कोर्ट क्या करेगा कि ट्रू नेचर देखेगा डिसाइड करने के पहले। अब आप बोलेंगे कि बताइए ट्रू नेचर का क्या मतलब है, कौन सी चीज का ट्रू नेचर? तो कोर्ट देखेगा ट्रू नेचर किस चीज का, कि क्या वो आपने जो एक्ट किया है या जो आपने डीलिंग करी है थर्ड पर्सन से, वो बाइंड कर रहा है प्रिंसिपल को कि नहीं। अगर बाइंड कर रहा है तो एजेंट है, नहीं कर रहा है एजेंट नहीं है। नेक्स्ट केस आते हैं, देखो इसमें बेसिकली क्या होता है, नेक्स्ट केस में शक्ति सुगर वर्सेस शक्ति सुगर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, सिंपल सी चीज है, स्टेट अगर आपको अलाव भी कर देती है या आप लीगल एंटिटी की तरह डज नॉट लीगल एंटिटी है, जैसे सुगर मिल थी इसमें, ठीक
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप शुगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप स्टेट के एजेंट हो जाएंगे। नहीं, ये आपका कमर्शियल फंक्शन है भाई, आप जो कर रहे हैं वो अपना कमर्शियल फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। चौथा देखिए, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन वर्सेस नरेश कुमार बद्री कुमार जगत, इसमें क्या होता, इसमें भी सेम था, एनसीटी वॉज हेल्ड नॉट टू बी अ गवर्नमेंट और इट्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि बस अपना काम कर रही थी टेक्सटाइल का, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, ना एजेंट बना के रखा था, ठीक है। सेम सिचुएशन शुगर मिल वाली थी। नेक्स्ट केस है एपी आंध्र प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेशन रूरल इरिगेशन वर्सेस कूप ट्रिबल, रिप्रेजेंटेड कैपेसिटी इज द टेस्ट, समझ रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एक टेस्ट है एजेंसी का, मेयरली बिकॉज रिस्पॉन्डेड एंड अंडरटेकन टू सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए एक और चीज होगी, अब आप लोग पूछेंगे कि एजेंट और सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर में क्या अंतर, तो इसमें ये केस आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल केस है। सॉरी, लक्ष्मी नारायण राम गोपाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद, क्या हुआ था, ये डिस्टिंग्विश किया था किसको, एजेंट को, सर्वेंट को और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर, समझ रहे हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल इज लाइबल इन ऑल फॉर एक्ट एजेंट्स रॉन्गफुल एक्ट इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, मास्टर इज लाइबल फॉर सर्वेंट्स रॉन्गफुल एक्ट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आप पढ़े होंगे टॉट में मेरे से कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। देखो, हर चीज पीपीटी में भी नहीं होती है, इसलिए नोटबुक अपने साथ रखें। अब देखो मैं बताता हूँ इन्होंने एजेंट को कैसे डिफाइन किया था, इन्होंने बोला था कि जरूरी, देखो एजेंट और सर्वेंट में यही डिफरेंट होता है, एजेंट को आप जब काम देते हैं तो आप अथॉरिटी नहीं रखते उसको टोकने टोकने की, सर्वेंट को पास आप हायर एंड फायर रूल भी है, दूसरा आप बता भी सकते हैं कि सुनो यार पानी मेरा स्टील वाले ग्लास में नहीं लाना है, या पानी मेरा इस चीज में नहीं लाना है, मेरे में नींबू डाल के नहीं लाना है, आप वो बता सकते। लेकिन एजेंट को आपने काम किया कि आप जाइए मेरे ये वाला फोन है इसको बेच के आइए जो भी पैसा होता है, आप तुम ये नहीं कह सकते हो भाई कि देखो उस दुकानदार को बेचना, जब उसने रेड कलर की टी शर्ट हो तब बेचना, ये तो फालतू चीज हो गई, लेकिन आप कुछ भी नहीं उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हो बीच, आपका क्या काम था, आपने एजेंट को ऑथराइज किया है फोन बेचने, समझ रहे हैं। तो ये डिफरेंट है एजेंट और सर्वेंट के बीच में, तो समझ रहे हैं, एजेंट जो है वो सुपरविजन के अंडर काम करता है मास्टर के, लेकिन ये वो सॉरी सॉरी सर्वेंट जो है वो सुपरविजन के अंदर काम करता है मास्टर के, लेकिन एजेंट सुपरविजन में अंदर काम करे प्रिंसिपल के, ये नेसेसरी नहीं, ठीक है। अब बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर क्या है, पर देखिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मैं बताता हूँ आपको, तो एजेंट को आप ऑथराइज कर सकते हैं किसी काम के लिए, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए आप बोलेंगे भैया मेरे घर में पेंट होना है, आप उसको एजेंट नहीं बोलेंगे, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे पेंट करना है, बता भी देंगे कॉलर कलर का करना है, ये सब तो टेक्निकलिटीज है, लेकिन आप क्या देखेंगे फाइनली कि आपका घर पेंट हुआ कि नहीं हुआ, जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उतना हुआ कि नहीं, यह है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक चीज और देखिए कि अमाउंट ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल हम देखते हैं, जिसमें ज्यादा होगा मोर होल्डिंग एज अ पर्सन इज सेम, आपका ज्यादा कंट्रोलिंग पावर है कि देखिए ऐसे नहीं धीमे चलाइए ये करिए वो करिए, तो सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। चलिए, स्कोप ऑफ अथॉरिटी जो मैंने यहाँ पे बात करी है कि प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर एजेंट रॉन्गफुल एक्ट, इसमें अथॉरिटी देखिए स्कोप ऑफ अथॉरिटी क्या है, कमीशन है और ये तुम्हारा सेवरल प्रिंसिपल है, दूसरा कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जैसे सैलरी हो गई वेजेस हो गई है ना, जैसे मास्टर सर्वेंट में होता है। अब इसके बाद हम नए केस पे आते हैं, इसका नाम है कमर वर्सेस कमर्शियल एक्सरसाइज प्रॉफिट टैक्स, इसमें क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कंपनी इज एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी बट व्हेन ही डील्स विद अ थर्ड पर्सन इन रिलेशन टू कंपनी बिकम्स एन एजेंट ऑफ अ कंपनी। देखिए दो लोग कंपनी है, एक व्यक्ति कंपनी की तरफ से तीसरे दूसरी कंपनी से डील करना चाहता है, मतलब क्या है थर्ड पर्सन से डील करना चाहता है, तब वो क्या बन जाएगा, कंपनी का एजेंट बन जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए, चंदी पीडी सिंह वर्सेस यूपी, इसमें क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इज इट्स सर्वेंट बट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स मैटर दैट कम अंडर हिज डोमेन ही बिकम एजेंट इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, जहां भी आप थर्ड पर्सन से डील करते हैं किसी के बिहाफ पे आप एक लिंक की तरह काम करते हैं, तो क्या होता है आप एजेंट कह रहे हैं। चलिए, ये बहुत बढ़िया चीज है कि टाइप ऑफ एक्ट, किस टाइप के एक्ट के लिए हम एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो देखिए, पर्सन के अपॉइंट, जैसे मैं पहले बताया था वीडियो में किसके लिए एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है, जो भी एक प्रिंसिपल खुद की पावर है उसकी करने की, उस हर काम के लिए एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। इस केस में देखिए, जोनल मैनेजर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस सिटी मुंसिफ, इस केस में बताया गया था, ये 1968 का केस, इसमें क्या हुआ था, एक्सेप्शन बताए थे कि राइट टू अपॉइंट एजेंट्स कब होता है, ठीक है, एक्सेप्शन थे कि कब आप एजेंट्स अपॉइंट नहीं कर सकते। तो पहला देखिए,
एक्ट परफॉर्म इज पर्सनल इन कैरेक्टर, ठीक है, जो भी एक्ट पर्सनल कैरेक्टर का है उसके लिए आप एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेयर ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय स्टेट्यूट टू बी डन बाय और एविडेंटेड बाय साइन ऑफ प्रिंसिपल हिमसेल्फ। मान लीजिए कि आप किसी गवर्नमेंट ने आपको ऑथराइज किया, आप गवर्नमेंट जॉब में है कुछ है, आपको ऑथराइज किया है कि आपके ही साइन होंगे, आप मान लो जज हैं तो आपकी ऑथराइज है स्टेट्यूट से कि आपके ही साइन होंगे, तो आप उसके लिए एजेंट हायर नहीं कर सकते। तीसरा, ये सब बिल्कुल जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है जो आपको बताते हैं कि एजेंट कब अपॉइंट नहीं हो सकते, समझ रहे। तीसरा, वेयर कॉम्पिटेंसी टू डू द एक्ट अराइजेज बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग सम पब्लिक ऑफिस, ठीक है, आपके पास कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं स्टेट्यूट में, जैसे आप अपनी खुद की जमीन बेच रहे हैं कुछ भी, तो आपको लॉ बोलता है करने के लिए, तो ये डिफरेंस है सेकंड और थर्ड। फोर्थ, द कॉम्पिटेंसी अराइजेस बाय सम पावर अथॉरिटी ड्यूटी ऑफ पर्सनल नेचर रिक्वायरिंग स्किल और डिस्क्रिशन ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, तो वो सब किसके पास है, इसमें आप एजेंट नहीं रख सकते, इसमें आपको खुद एक्ट करना पड़ेगा, समझ रहे। चलिए, वेदर स्टेट्यूट इम्पोजेस ऑन अ पर्सन अ ड्यूटी विच इज नॉट फ्री टू डेलीगेट, एग्जाम्पल अपियर, आप खुद अक्यूज हैं, आप एजेंट अपॉइंट कर दीजिए कि मेरे भी आप ये जाएगा कोर्ट में अपियर होने के लिए, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको खुद जाना पड़ेगा, डेलीगेट नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, वो भी पढ़ लिया हमने, आप पढ़ेंगे कि कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल नॉट अफेक्ट, कब प्रिंसिपल की कैपेसिटी अफेक्ट नहीं हुई, तो बेंटल हॉर्सले वर्सेस ब्रैडली वर्स वी वाइक्रेस में क्या होता, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट डज नॉट प्रिक्लूड द प्रिंसिपल फ्रॉम एक्टिंग हिमसेल्फ। अब देखिए मैं इतने साथ से बता देता हूँ, अब मान लो मैं फिर से वही बोलता हूँ कि मुझे प्लॉट खरीदना है, मैं किसी को अपॉइंट करता हूँ कि जाइए इंस्पेक्ट करके आए, वो पार्टी से बात करता है कि बताइए भैया कहाँ प्लॉट है कहाँ हो रहा है, वो इंस्पेक्ट करता है, लेकिन ये मुझे नहीं रोकता है प्रिंसिपल कि मैं ना जाके खुद इंस्पेक्ट करता, ठीक है, इसमें यही बात बताई गई है। चलिए, अब हम देखेंगे डिफरेंस किसमें है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी फॉर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी फॉर सेल में क्या डिफरेंस। तो देखिए, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बायर बिकम्स द ओनर ऑफ गुड्स, लेकिन अब इसमें काम करना, जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए बढ़िया एडवाइस देता हूँ, एक तरफ लिखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एक तरफ लिखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी फॉर सेल, ठीक है। तो क्या होता है, बायर बिकम द ओनर ऑफ गुड्स, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी फॉर सेल में क्या होता है, एजेंट हैज नो राइट ओवर द गुड्स, ही ओनली हैज अथॉरिटी टू सेल, समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए, इसमें हम केसेस भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, अब हम आपको बताते हैं केस लॉ करने के पहले हम एक काम करते हैं, बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, सेल क्या होता है, क्या ट्रांसफर करती है अपने टाइटल को, कि मैं अगर पेंसिल बेच दूं, ठीक है, मैं बेच दूं अगर ये पेंसिल, तो मैंने क्या किया, अपने ये जो टाइटल था मेरा इसके ऊपर वो मैंने बेच दिया, दे दिया, किसके बदले, मनी गुड्स या किसी भी चीज के लिए, तो एक्सचेंज में, ठीक है, होती है सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है कि आप सेल करते हैं किसी भी चीज की, टाइटल ट्रांसफर होता है, बल्कि एजेंट हैज नो राइट किसके ऊपर, गुड्स के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजेंसी ऑफ सेल में। इसमें अब हम केस करें फूलचंद नेमचंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अग्रवाल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को प्लेंटिव का कहता है एजेंट ऑफ मैच फैक्ट्री सेल्स मैचेस ऑन अ कमीशन बेस विद रिपेयर्स एंड वॉक्स, ठीक है। डिफेंडर क्या होता है, डिफेंडेंट ओनर ऑफ मैच बॉक्स कंपनी वाज हेल्ड टू बी मेयरली फेवर्ड बायर एंड नॉट एन एजेंट। देखिए इसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ आप, इस केस में क्या होता है, एजेंट जो होता है वो कमीशन बेसिस पे काम करता है, ठीक है, एजेंट नहीं, सॉरी, इसमें यही यही ड्रामा है इसमें, कि एजेंट नहीं होता है, सिर्फ प्लेंटिव जो है वो बस केवल नॉर्मल कमीशन के बेसिस पे काम करता है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो लोगों को फेवर कर रहा है कि इनके खरीदिए, लेकिन वो एजेंट नहीं है, वो बाइंड नहीं कर रहा है कि भैया खरीद लीजिए अच्छा करते हैं, क्योंकि उसको तो कमीशन मिल रहा है, लेकिन वो बाइंड नहीं कर रहा है ओनर को, थर्ड पर्सन, तो इसमें इसको माना गया था कि वो एजेंट नहीं, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रिएशन ऑफ एजेंसी वगैरह, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो अब हमसे आप हमें सीधा मेल कर सकते हैं या हमें डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। थैंक यू।